तो फाइनली यूट्यूब पर एक चैनल है जो वाकई में भविष्यवाणी करता है और बहुत जबरदस्त तरह से भविष्यवाणी की। एक्चुअल में सीन सारा ये था, मुझे खुद ही नहीं पता था, ये एक मेरे पास कमेंट आया था, तो वहां पर ये सारी डिटेल्स है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सेंड की गई थी। जब मैंने चेक किया तो वहां पर उस वीडियो के अंदर मतलब शुक्ला जी की भविष्यवाणी की जा रही है, और वो भी किससे, ताश के पत्तों से। शुक्ला जी की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सिद्धार्थ की लाइफ में एक लड़की है एक्चुअल में, और आगे जाकर के भाई पता नहीं क्या होगा, कोई दरार डालेगा, इनके बीच में ब्रेकअप होगा, ये वो फलाना ढिमका है ना, तरह तरह की बातें उन्होंने कर डाली। 600-700 के करीब उसके ऊपर व्यूज थे, फैंस हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए, तो सारा क्लियर देने यहां पर मैं आपको आगे उस वीडियो दौरान। सीन सारा ये है दोस्तों, अगर अगर लाइफ को ताश के पत्तों के अंदर बिखेर दिया जाए तो क्या होगा, और अगर लाइफ का हम आने वाला फ्यूचर क्या है भाई, वो तो ऊपर वाला ही जानता है, और ये वाली बात ताश के पत्तों में कहां से गिनती करते हुए नजर आ रहा हूं, फिलहाल हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं यार, वो तो फिर भी ताश के पत्ते हैं। जो हाथ की रेखाएं होती हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, वो आपकी रेखाएं देख के बता देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मगर एक्चुअल में कहते हैं ना कि दुआ काम में आती है, और लाखों करोड़ों फैंस की दुआएं सेडनास के साथ में, और ऐसे में दुआएं एक ऐसी होती हैं जो लकीरों को पलट देती हैं, लकीरें मिट जाती हैं, दूसरी लकीरें आ जाती हैं, ऐसा होता है एक्चुअल में, जहां तक मुझे नॉलेज है भाई, उस अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। और उनका कहना यह है, ताश के पत्तों का एक नंबर सेलेक्ट करके वहां पर वो ये सब कहती हैं कि इनका ब्रेकअप हो जाएगा आगे चलकर, इनके बीच में एक लड़की आएगी जो कि वाकई में इनका ब्रेकअप वगैरह करवा देगी, और जब तक सिद्धार्थ की लाइफ में शनाज गिल होंगी तो सिद्धार्थ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, काम वगैरह नहीं मिलेगा, या फिर बुलंदियां नहीं चढ़ पाएंगे सिद्धार्थ शुक्ला। तो भाई अभी तक तो हम फिलहाल बुलंदियां बुलंदियां देखते हुए नजर आ रहा है, सारी भविष्यवाणी उनकी उल्टी साबित हो रही है, जितनी सारी बुलंदियां हैं वो सब शनाज गिल उनके लाइफ में हैं। तो ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला के पास कौन सी बुलंदी नहीं है यार, हर एक चीज, काम भरपूर मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भाई ऐसी फालतू की बकवास के ऊपर किसी पर भी बिलीव मत करना, पहले बता रहा हूं, बाकी आप करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर मेरा काम हमेशा आपको अवेयर करना है, तो इस वजह से मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसी चीजों के ऊपर किसी पर बिलीव मत करें, और बिल्कुल भी टेंशन ना लो यार, हैप्पी हैप्पी रहो, बस खुश रहा करो भाई, सडनास था है और रहेगा, और बुलंदियां चढ़ता रहेगा। बाय द वे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, प्यार से कमेंट करके जल्दी से बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपडेट्स से लगातार आपसे शेयर की जा रही है।